फ्रेंड्स, भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले हम इस टाइप का एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और उसी में लोहे का एक कील ठोक लेंगे हथौड़ी की हेल्प से और उसमें एक स्टिक लगा देंगे। इसके बाद हम सबसे पहले हाथी बनाएंगे। तो हमने मिट्टी ले लिया है और इस मिट्टी से देखिए इस टाइप से हम कॉइल बनाकर बराबर बराबर भाग में इस टाइप से दो दो इंच का चार पैर बना लेंगे हाथी का, देखिए कुछ इस टाइप में। और इसके बाद इसको यहाँ पर लगाएंगे दो पैर को, और इसके बाद ऊपर से हम बॉडी बनाएंगे इसका, और इसके बाद दोनों दो और पैर को हम लगा देंगे। फ्रेंड्स, बीच में मैंने जो स्टिक लगाया है ये हाथी को खड़ा करने के लिए हमने बनाया है। इसके बाद ये दूसरा जो हमने दो पैर बनाया था इसको यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद जो नीचे से स्टिक दिख रहा है इसको भी हम कवर कर देंगे मिट्टी से, जिससे कि यह मजबूत हो जाए। अभी तो हाथी का पांच पैर दिख रहा है पर कलर के टाइम यह ऐसा नहीं दिखेगा। और अब ध्यान से देखिए हमने कहाँ कहाँ मिट्टी को ऐड किया है हाथी के बॉडी का शेप देने के लिए। फ्रेंड्स, मूर्ति बनाने के लिए जो मैंने मिट्टी तैयार किया है, अगर आपको देखना है कि मिट्टी मैंने कैसे तैयार किया है तो इसका वीडियो मैंने अलग से बना दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। फ्रेंड्स, हमने हाथी के बॉडी को लगभग बना लिया है। इसके बाद हम इसका सूट बनाएंगे। सूट बनाने के लिए हमने लोहे का पतला वायर लिया है देखिए, और इसको इस टाइप से मोड़ लिया है, और इसी में हम देखिए मिट्टी को लगाएंगे इस टाइप से, और इसको यहाँ पे वायर को मिट्टी में फिक्स कर देंगे यहाँ पे। अब हम हाथी का जो चेहरा है इसका डिटेलिंग कर लेंगे, आइज वगैरह बना लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने कैसे डिटेलिंग किया है आइज का। और अगर आपके पास ये टूल्स ना हो तो आप इसके जगह नेल कटर, माचिस की तिल्ली और पेन की रिफिल, इन सब का यूज करके भी बना सकते हो मूर्ति को। अक्सर मैं अपने सारे वीडियो में ये बात बोलते रहता हूँ। और अगर आपको चाहिए ये टूल्स जो मैं यूज करता हूँ तो ये बहुत ही सस्ता है, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप अगर खरीदना चाहें तो आप वहाँ से भी जाकर खरीद सकते हो। फ्रेंड्स, चेहरे पे मैंने कहाँ कहाँ मिट्टी ऐड किया है ये आप ध्यान से देखते रहना मैंने कहाँ कहाँ ऐड किया है। इसके बाद इन सब को आप क्लीन करते रहना ब्रश में पानी लगाकर। और देखिए अब हम दांत भी लगा देंगे इस टाइप से, दोनों साइड से लगा देना है। अब हम हाथी का कान बना लेंगे। तो हमने मिट्टी लगा दी है और जितना भी एक्स्ट्रा मिट्टी है सबको हमने टूल्स की हेल्प से हटा दिया है देखिए, और इस टाइप से मोड़ लेंगे, शेप दे देंगे कान का। दोनों साइड से इसी टाइप से करना है और पानी से इसको क्लीन कर लेना है ब्रश में लगाकर। और देखिए इसके बाद लंबा लंबा लकीरी इस टाइप से खींचना है, इसमें डिटेलिंग करना है कान का, और इसको भी हम पानी की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। और देखिए अब हम सूट जो है इसमें भी देखिए दो होल करना है इस टाइप से, जैसा रहता है हाथी के सूट में। और यहाँ पर भी देखिए कुछ इस टाइप से हमने लकीर खींचा है। फ्रेंड्स, हाथी का जो स्किन होता है या सिकुड़न टाइप का होता है, सिकुड़ा सिकुड़ा रहता है, इसीलिए हमने पूरे सूंड पे और पूरे फेस बॉडी सब पे हमने लंबा लंबा देखिए इस टाइप से लकीर खींचा है। और इसको हमने ब्रश में पानी लगाकर सबको हमने क्लीन कर दिया है। देखिए आप ध्यान से हमने कैसे के लकीर खींचा है, पूरे बॉडी पर भी हमने इसी टाइप से किया है जैसे हमने सूंड पर किया है। और इसके बाद ब्रश में पानी लगाकर सबको हम क्लीन कर देंगे। फ्रेंड्स, मिट्टी का एक पतला क्वाइल बनाकर उसी की हेल्प से हम देखिए पीछे से पूंछ लगा दिया है मैंने। और इसके बाद हम बॉडी पे भी इस टाइप से सिकुड़न बना लेंगे, देखिए कैसे किया है, इसी टाइप से चारों पैर में करना है और बॉडी पे, और सबको हम क्लीन कर लेंगे पानी की हेल्प से। फ्रेंड्स, पैर का नाखून बनाने के लिए हमने पेन का जो कवर होता है उसके आगे के साइड से देखिए कुछ इस टाइप से दबा दबा कर हमने चारों पैर में नाखून बना लिया है। इसके बाद ब्रश में पानी लगाकर पूरे हाथी को हमने देखिए इस टाइप से क्लीन कर दिया है आगे और पीछे दोनों साइड से चारों तरफ से, और हमारा हाथी बनकर रेडी है। अब हम हाथी के ऊपर एक चादर बनाएंगे और चादर के ऊपर ही हम विश्वकर्मा भगवान को बैठाएंगे। तो देखिए हमने पतला पतला क्वाइल की हेल्प से चादर बना लिया है दोनों साइड से, और इसको भी हम मिला देंगे मिट्टी को देखिए इस टाइप से, और इन सबको हम क्लीन कर लेंगे पानी की हेल्प से। और इस पर हम टूल्स की हेल्प से देखिए डिटेलिंग करेंगे, कुछ डिजाइन बनाएंगे। यह डिजाइन बनाना बहुत ही सिंपल है, यह डिजाइन आप सुई की हेल्प से भी बना सकते हो। मैंने पेन की रिफिल का भी यूज किया है यहाँ पे, देखिए इसी टाइप से पूरे में बना लेना है चारों तरफ से। फ्रेंड्स, हमने पूरे चादर का डिटेलिंग कर लिया है देखिए। इसके बाद हम इसके ऊपर विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बनाएंगे बैठा हुआ। तो देखिए हमने स्टिक एक लगा दिया है पतला सा, और उसी में हम इनका बॉडी बनाने के लिए मिट्टी लगा दिए हैं। और देखिए अब ध्यान से हमने कैसे बॉडी बनाया है, और इसके बाद दो पैर हमने लगाए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मूर्ति का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे जैसा बनाना है, और उसके बाद टूल्स की हेल्प से हम जितना भी एक्स्ट्रा मिट्टी है सबको हम हटा लेंगे, साइड कर लेंगे देखिए कुछ इस टाइप से। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो क्योंकि यह वीडियो थोड़ा स्पीड है, और अगर आपको जहाँ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। तो आप लोग वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए ध्यान से, मिलते हैं हम लास्ट में वीडियो के।
फ्रेंड्स हमने मूर्ति के बॉडी को लगभग बना लिया है और पानी की हेल्प से इसे क्लीन भी कर लिया है। अब हम धोती को डिटेलिंग करेंगे। तो धोती का फोल्ड बनाने के लिए हमने देखिए इस टाइप से लकीर खींचकर मिट्टी को कट कर लिया है कुछ इस टाइप से, और इसके बाद इसको हम क्लीन करने के पानी की हेल्प से। सब हम पैर के उंगली को बना लेंगे। तो पैर को उंगली को बनाने के लिए हमने मोटा वाला सुई का यूज किया है। देखिए इसी टाइप से हमने लंबा लंबा लकीर खींचा है दोनों पैर पे, और देखिए यह बनाना बहुत ईजी है पैर को। और इसको हम क्लीन कर लेंगे। और धोती पे कुछ और डिजाइन बनाए हैं, देखिए यहाँ पे फोल्ड बनाना है तो यहाँ पे भी हमने कुछ मिट्टी ऐड करके देखिए इस टाइप से और बना लिया है, और इसको भी हम क्लीन कर देंगे। अब हम इनका कमर बंद बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने पतला कॉइल को चिपकाया है, पीछे से भी इसी टाइप से चिपका देना है, और इसको क्लीन करके सुई की हेल्प से हम इस पर कुछ डिजाइन बना लेंगे। और पेन की रिफिल से भी हमने पीछे के साइड से उसको भी दबा दबा कर इससे हम देखिए यहाँ पे गोल गोल डिजाइन बनाए हैं चारों साइड से। पीछे से भी हमने इसी टाइप से बनाए हैं और आगे से भी हमने कुछ इस टाइप से डिजाइन बना लेंगे देखिए। इसके बाद हम मूर्ति का हाथ बनाएंगे। तो हमने इस टाइप से देखिए क्वाइल बनाया है, ऊपर के साइड मोटा और नीचे के साइड पतला, और इसी टाइप से चार क्वाइल हमने बनाए हैं देखिए। इस टाइप से इसको चिपका देना है, इसको हमने मोड़ कर, ये आशीर्वाद वाला हाथ है तो हमने इस टाइप से इसको मोड़ दिया देखिए, और यहाँ पे इसको हम चिपका देंगे। अच्छे से चिपकाना है ताकि ये गिरे ना। और यहाँ पे भी हमने कुछ ऐड किया है कंधे पे मिट्टी। फ्रेंड्स हम इनका चार हाथ बनाएंगे। हमने दो हाथ लगा दिया है, एक हाथ से आशीर्वाद और दूसरे हाथ में कमंडल लिए रहेंगे। और दो हाथ लगाने के बाद हमने इनका सॉल बना दिया है, और सॉल लगाने के बाद हम दूसरा दो हाथ जो है उसको हम पीछे से लगाएंगे। तो पहले हम इनका सॉल बना लेंगे देखिए इस टाइप से मिट्टी लगाकर, इस पर भी हम इस टाइप से फोल्ड बना लेंगे और इसको भी हम क्लीन कर देंगे। इसके बाद हम पीछे से जो बाकी दो हाथ हमने बनाए हैं इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। पीछे से चिपका देना है इसको अच्छे से ताकि गिरे ना। देखिए हमने हाथ को लगा दिया और पीछे से भी हमने ये सॉल बना दिया है इनका। और इसके बाद हम इनका उंगली बनाएंगे फिंगर। तो हमने पतला पतला कॉइल बनाकर इसको हमने पानी की हेल्प से चिपकाया है देखिए, बहुत ही इजी है ये बनाना। और इसी टाइप से हमने पीछे वाले जो हाथ हैं उनका भी फिंगर हमने इसी टाइप से बनाया है देखिए। और इस पर हमने सुई से देखिए इस टाइप से हाथ पे लकीर खींचा है, और ये हमने अंगूठा लगा दिया। इसके बाद हम हाथ में पतले कॉइल की हेल्प से देखिए कंगन बना लेंगे, और इस पर भी हम सुई की हेल्प से डिटेलिंग कर लेंगे देखिए कुछ इस टाइप से। और इसी टाइप से हमने चारों हाथ में कंगन बनाया है और ये बन चुका है। अब हम दूसरे हाथ में कमंडल बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने छोटा सा कमंडल बना लिया है, और इसको हमने पतले आलपीन की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और इसके बाद कमंडल का जो ये इस टाइप का पकड़ने वाला इसको हमने लगा दिया है, और इसके बाद हाथ का जो उंगली है इसको हम इसके ऊपर से बना लेंगे ताकि लगे कि ये हाथ में पकड़े हुए हैं कमंडल को। फ्रेंड्स मैंने इस हाथ में भी देखिए कंगन बना लिया है। इसके बाद हम इनका बाजू बंद बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने इनका बाजू बंद कैसे बनाया है। यहाँ पे भी हमने पतला क्वाइल चिपका है, और इस पर भी हमने देखिए पेन की रिफिल और सुई की हेल्प से डिटेलिंग किया है, और इसी टाइप से दोनों हाथ में बना लेना है। फ्रेंड्स इसके बाद हमने एक छोटा सा हथौड़ी बनाया है। अगर बत्ती चलने के बाद जो स्टिक बच जाता है उसी में मैंने मिट्टी लगाकर ये छोटा सा हथौड़ी बनाया, और इसको हमने फेविकोल की हेल्प से हाथ में चिपका दिया है। और दूसरे हाथ में हमने मोटा वाला धागा को मोड़ कर इसको हमने चिपकाया है ताकि लगे कि यह हाथ में रस्सी पकड़े हुए हैं। अब हम मूर्ति का फेस लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने गर्दन बना दिया है, और अब हम इसमें फेस को लगा देंगे। फेस का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, दो दिन पहले ही इसका वीडियो मैंने डाला है अपने चैनल पे, आप जाकर देख लेना, बहुत ही इजी है ये फेस बनाना। इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए हमने लगा दिया है फेस को, और नीचे हमने एक छोटा सा गले का हार बना दिया है, इस पर भी हमने सुई की हेल्प से डिटेलिंग कर दिया है। और कान बनाकर इसमें भी हमने छोटा सा एक कान का कुंडल बना देंगे। इसके बाद हम मूर्ति का बाल बनाएंगे। तो हमने दोनों साइड से देखिए मिट्टी ऐड करके और इसको हम पानी की हेल्प से क्लीन कर लेंगे, और इस पर देखिए इस टाइप से लंबा लंबा लकीर खींचना है आगे और पीछे दोनों साइड से, और बाल बना लेंगे और इसको क्लीन कर देंगे। चाहे तो इनका मुकुट भी बना सकते हो, पर मैंने ऐसे ही रखा है, ये ऐसे ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और देखिए इनका फाइनल लुक ये बनकर रेडी है। फ्रेंड्स आपको ये मेरा विश्वकर्मा जी का मूर्ति कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कलर और डेकोरेट करना सीखेंगे। फ्रेंड्स विश्वकर्मा पूजा जल्दी आने वाला है, तो आप भी बनाइए जाइए मूर्ति, और मेरे साथ शेयर भी कीजिए अपने मूर्ति का फोटो इंस्टा पे। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।